जोधपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहां चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू के चलते पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी निगरानी बनाए हुए है। इस दौरान एक युवक ने कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की और जिसके बाद पुलिस ने कमला नेहरू नगर स्थित निवासी इद्रिश को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और महामारी रोग संबंधी कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। कोरोना महामारी को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन अवधि चल रही है और ऐसे में कुछ लोगों द्वारा भ्रामक मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस थाना प्रतापनगर क्षेत्र में भी एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा व्यक्ति विशेष द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर भ्रामक मैसेज वायरल करने के संबंध में आईटी एक्ट और संक्रामक रोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान किया गया तो यह सामने आया कि व्यक्ति इद्रिश बेलिम पुत्र मोहम्मद इस्माइल LIGH स्कीम कमला नेहरू नगर द्वारा इस तरह का भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया पर जारी किया गया।